ये माइनर लोन में अभी कुछ डेट या कुछ एक्सटेंड होने वाली है क्या आपके हिसाब से? नहीं सर, कोई डेट एक्सटेंशन का अभी कोई इरादा नहीं है, अभी टाइम है उसके लिए। एक दो दिन पहले अगर कुछ हालात ऐसे हैं तो डिस्कशन करके इसके ऊपर गौर किया जाएगा। ये माइनर लोन के अमाउंट नहीं है अभी जो है ना, 70 करोड़ कुछ जो बढ़ाए हैं, अभी आगे और कुछ बढ़ने के चांसेस है अमाउंट? आगे बढ़ने के चांसेस हो भी सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे गोपालेश्वर साहब मिनिस्टर साहब ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बैठ के जो है डिस्कशन करके, हमारे हनरेबल महमूद अली साहब भी मिनिस्टर साहब भी थे, ये डिस्कशन करने के बाद ही 120 करोड़ किया गया है। उसको टाइम भी कम है, फरवरी तक क्लोज करना है उसको, तो लिहाजा जो है हम जल्द से जल्द ये 120 करोड़ खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कीम पिछले 5 साल से माइनॉरिटी लोन रुका हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके उस हिसाब में से अगर देखा गया तो ये 5,000 लोग से 12,000 आदमी हो, जबकि माइनॉरिटी जो है ना 48 लाख से तेलंगाना स्टेट में ओवरऑल, उस हिसाब से फूड सिक्योरिटी गार्ड अगर देखा गया तो 24 लाख चिल्लर कुछ हो रहे, तो ये क्या हिसाब से अगर दिया जाएगा 12,000? मैं एक बात बोलता हूँ सुनिए जी, कोई भी हुकूमत जी जितना पॉपुलेशन है क्या उतने पॉपुलेशन के हिसाब से लोन दिया जाएगा? दे सकते हैं जी? नहीं दे सकते हैं। नहीं। तो लिहाजा जो है कम्युनिटी में जो है कई स्कीमात होते हैं जी। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास तेलंगाना हुकूमत में जो है टेम्बरेस इदारे चलाए जा रहे हैं, शादी मुबारक स्कीम दी जा रही है, ओवरसीज स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, इमाम मौज़म का हदिया दिया जा रहा है, और ऐसे कई चीज़ें स्कीमात चल रहे हैं जिसके तहत जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी जो है 2016-17 में जो है हमने लोन दिया 200 करोड़ तक जो है, जब हमने जो 14-15 के एप्लीकेशंस थे उनको दिया। उसके बाद एक साल गैप था, उसके बाद 18-19 में जो है ड्राइवर कम ओनर के स्कीम शुरू किए कार की, जिससे 790 कारें दिए हमने इस साल से। तो सुनिए, उसके बाद 10,000 स्विंग मशीन्स दिए हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से। 2020-21-22 लॉकडाउन, मतलब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, 2 साल तो उसमें ख़राब हो गए। अब जो स्कीम शुरू की गई है फिर MFC की तरफ से जो है इकोनॉमिक सपोर्ट के तहत, तो लिहाजा मैं बोलना ये चाहता हूँ कि एक ही आप जो है लोन्स के ऊपर ही मत जाएं। हुकूमत के कई स्कीमात होते हैं जो चल रहे हैं सक्सेसफुली चल रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हिंदुस्तान में ऐसी स्कीमात अगर किसी हुकूमत ने कर ली हैं तो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे BJP, तो खैर छोड़ दो वो तो कोई स्कीम है तो स्कीम बन कर रही है BJP, तो कांग्रेस के जहाँ पे स्टेट्स हैं, जो कांग्रेस वाले आज बयान दे रहे हैं ना, तो पहले अपने स्टेट में क्या बजट है वो बताइए बोलिए, बाद में जो है डिमांड करने के लिए मैं बोलता हूँ। अपोजिशन को हक ही नहीं है बात करने का इस बारे में, क्योंकि आप अपने गिरेबान झांक लो ना, आपके 10 साल के दौर में कांग्रेस का क्या बजट था, क्या स्कीम दिया, उसको पहले तो आप खुलासा करो, हम इतने दिए तुम इतने दिए बोलो, तुम कुछ दिए ही नहीं दूसरों को दिए बोलने का हक क्या बनता आपको? ये जो कर रहे हैं जो है इलेक्शन में जो है जग्गा रेड्डी MLA है, दूसरे जो लोग बोल रहे हैं ना, वो अपने वहाँ के आवाम को खुश करने के लिए हम भी पूछे थे बोलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद इरादा नहीं है देने का, क्यों? उन्होंने खुद दिए नहीं जब उन्होंने खुद MLA थे, जब कांग्रेस की दौर में हुकूमत में क्यों नहीं पूछे जब बजट, जब मुंह पे ताला क्यों था जब? अभी तो ये बोल रहे हैं कि 4% से 3% रिजर्वेशन? नहीं, 4% ही गलत बात है, ऑनलाइन में पूरा 3% बता? नहीं, चेंज थोड़ा बहुत करेक्शन था, गलती से आ गया था उसको चेंज कर दिया, अभी तक चेंज नहीं हुआ बोल के बता? हो गया चेंज हो गया, मालूम कर लीजिए। ड्राइवर स्कीम में इस साल से 112 गाड़ियाँ दी, वो भी 3 साल के बाद। मैं फिर आप एक बात कर रहे हैं जी, 3 साल के बाद, 2 साल तो आप कोरोना के निकाल दो आप जी, तो अब 120 गाड़ियाँ फिर और आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसके तहत वो भी काम किया जाए। जो पहले जो लोग ड्राइवर स्कीम में जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है, जिसका बैंक वेरिफिकेशन भी होगा, घर का फिजिकल देंगे देते, तो उनका कैसा आएगा? पुराने दिया जाएगा उनको, पुराने एप्लीकेशन का कुछ अभी दिया जाएगा, अभी वो अभी तो कार स्कीम का जो है शुरू होने वाला है, उसके तहत अभी डिसीजन बोलता हूँ, पहले हो जान दो, उसके बाद अगले महीने शुरू होगा अभी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मीडिया जर्नलिस्ट के लिए जो है ना इस स्कीम में कुछ कोई कैटेगरी रखी गई है? देखो इसमें मीडिया क्या, अब जैसा कैमरा का कुछ आवश्यक, कुछ कैमरा खरीदने का ऐसा कुछ स्कीमात होंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिए। जर्नलिस्ट के लिए? नहीं, जर्नलिस्ट बल्कि नहीं है, अगर आप गरीब हैं, जर्नलिस्ट हो के आप गरीब हैं तो आप एलिजिबल हैं जी। उन जर्नलिस्ट बताओ, हर जर्नलिस्ट गरीब अमीर थोड़ी होगा, तो हर जर्नलिस्ट गरीब भी नहीं होगा ना, होगा भी हो भी सकता है। मैं क्या बोल, इसीलिए जो जर्नलिज्म गरीब आदमी है उसके लिए अप्लीकेबल है जी। कोई लोग शौक के लिए भी जर्नलिज्म करते हैं, शौक होता है जर्नलिज्म का, कुछ लोग जो है प्रोफेशन भी रहता है जिनका, हाँ वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए जर्नलिज्म में जो है, सुनिए जर्नलिज्म में जो है अगर कोई हकदार हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर एलिजिबल है आप तो बराबर आता आपको, इसमें कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा,
और मैं आपसे फिर एक बार आपके चैनल के आपके ज़रिए बोलना ये चाहता हूँ कि मीडिएटर के थ्रू आप मत जाइए। कोई भी अगर मीटर आपको बीच में लोन दिलाता हूँ अगर बोल रहा तो गलत है। अगर कोई मीडिएटर का नाम बीच में अगर आएगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा। अब ये सब्सिडी लोन जो रिटर्न करना है गवर्नमेंट को, ये नहीं सब्सिडी लोन रिटर्न करना है कौन बोले? ये 20% जो, हाँ 20% तो शेयर है ना, वो बैंक, अगर आप बैंक से ले रहे तो वापस करना है। नहीं आपका खुद है उसका प्रोसीजर सर, बैंक से वो बैंकर है तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट नहीं नहीं अभी नहीं, वो बैंक का बैंक वाले डिसाइड करते हैं। नहीं बैंक बैंक वाले देख लेते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर देना चाहे तो माफ है ना, वो बिल्कुल बेनिफिशियरी की छोटे हो ना, हमारा क्या ताल्लुक है उससे? बेनिफिशियरी डायरेक्ट ओडीडी वाला, आप बेनिफिशियर आप खुद 20% शेयर आपका रख ले रहे हैं, गवर्नमेंट का शेयर आने के बाद आपको आपका पैसे आपको वापस आ जाते हैं ना। अच्छा, यानी पहले पैसे रिलीज होंगे, पहले बेनिफिशियरी का, बेनिफिशियरी का देने के बाद मिला के शुरू करें आप 20-20% आप पे करने के बाद 80% सब्सिडी मिला के आपको 100% दिया जाएगा ना, वही इसके लिए। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू, बस ओके। సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ దాని శాంక్షన్ చేయడంలో కుప్పలేశ్వర్ గారు కీలక పాత్ర పోషించినందుకు అయితే